वह उनसे बचने का प्रबंधन करता है, लेकिन फिर विटवर और कुछ अधिकारियों द्वारा पाया जाता है। पीछा समूह को एक स्वचालित ऑटो असेंबली प्लांट में ले जाता है, जहां एंडरटन जीवित रहता है और एक नवनिर्मित कार में भाग जाता है। वह डॉ आयरिस हिनमैन के निवास के लिए अपना रास्ता बनाता है, जिसके शोध ने प्रीक्राइम प्रोग्राम के लिए आधार तैयार किया। यह पता लगाने पर कि न्यूरोइन एडिक्ट्स के कुछ बच्चों ने जल्द ही भविष्य की हत्याओं को देखने की क्षमता विकसित कर ली है। काफी संकी लेकिन फिर भी सुसंगत, हिनमैन बताते हैं कि तीन प्रोग हमेशा भविष्य के अपने दृष्टिकोण पर सहमत नहीं होते हैं। जब ऐसा होता है तो जो दूसरों से सबसे ज्यादा विचलित होता है उसे आमतौर पर नजरअंदाज कर दिया जाता है। अपनी बेगुनाही को स्थापित करने के लिए एंडरटन को यह निर्धारित करना होगा कि क्या उसके पास अल्पसंख्यक रिपोर्ट है जो उसका नाम साफ कर देगी। एंडरटन इस बात से हैरान है कि कौन से प्रोग अल्पसंख्यक रिपोर्ट उत्पन्न करेंगे, और हिनमैन ने उन्हें तीनों में से सबसे प्रतिभाशाली बताया, अगाथा। चूंकि हर कोई जहां भी जाता है आयरिस स्कैन के अधीन होता है, एंडरटन एक छायादार डॉक्टर के हाथों आंखों का प्रत्यारोपण करवाता है। डॉक्टर वास्तव में जॉन के पिछले मामलों में से एक है, जिसका उसने संदिग्ध सर्जरी करने के लिए भंडाफोड़ किया था। हालांकि डॉक्टर वैसे भी प्रक्रिया करता है, जॉन को ठीक होने के लिए अकेला छोड़ देता है। सर्जरी के बाद ठीक होने के दौरान वह उस दिन के बारे में सपने देखता है, जब उसके बेटे को एक स्विमिंग पूल से अगवा कर लिया गया था और प्रीक्राइम टीम को उसके लिए इमारत की खोज करने के लिए जगाता है।